नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के हमारे इस वीडियो के अंदर। और दोस्तों आज मैं आया हूँ सिरसा के अंदर, डब्बाली रोड पर हूँ। दोस्तों मैं डब्बाली रोड पर होंडा एक्टिवा का यह शोरूम आप देख रहे हैं, बिल्कुल उसके पास में बालाजी मोटर। और बालाजी मोटर के अंदर आपको दिखाऊंगा दोस्तों, याकूजा कंपनी का शोरूम है ये। याकूजा वो कंपनी है दोस्तों जो इलेक्ट्रिक बाइक बनाती है, और ऐसी ही एक इलेक्ट्रिक बाइक नहीं बोल सकते दोस्तों, एक गाड़ी आपको दिखाने वाला हूँ, इलेक्ट्रिक गाड़ी रहने वाली है। और फोर व्हीकल है दोस्तों, ये चार टायर है इस गाड़ी के। इस गाड़ी को हम देखेंगे, चलते हैं शोरूम के अंदर और आपको दिखाते हैं ये गाड़ी। ये गाड़ी आपको अच्छी लगे, पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, आगे शेयर करिए इस वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल पर जुड़िए दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। वीडियो को करते हैं स्टार्ट और दिखाते हैं आपको ये फोर व्हीकल जो आप देख रहे हैं दोस्तों, पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक है। और कोई भी खर्चा इसमें एक्स्ट्रा आपका नहीं लगता, सिर्फ एक बार पैसा देने पर पूरी ज़िंदगी आप इस गाड़ी को चलाते रहिए। कोई भी किसी प्रकार का इस पर एक्स्ट्रा इन्वेस्ट आपको नहीं करना होगा। इस गाड़ी के बारे में पूरी डिटेल देंगे दोस्तों, इसके अंदर एक एक चीज़ आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, बने रहें इस वीडियो के अंदर दोस्तों। वीडियो को करते हैं स्टार्ट और आपको दिखाते हैं ये गाड़ी। इस गाड़ी का नाम है दोस्तों याकूजा कंपनी का, क्रिश्मा नाम की ये गाड़ी है। और ये गाड़ी इलेक्ट्रिक गाड़ी है दोस्तों, और इलेक्ट्रिक बाइक होती है उसके अंदर बैटरी लगी होती है, और इसके अंदर भी बैटरी है दोस्तों, पूरी की पूरी ये गाड़ी इलेक्ट्रिक है। गाड़ी का कैबिन भी आपको दिखाऊंगा, जिसके अंदर आपको कितनी सीट मिलती है गाड़ी के अंदर बैठने के लिए। और एक फैमिली गाड़ी आप इसको बोल सकते हैं दोस्तों, एक बार पैसा लगाना है आपको, उसके बाद कोई भी इन्वेस्ट आपका नहीं रहता इस गाड़ी के अंदर। और पूरा वही सिस्टम आपको मिल जाता है जो एक कॉम्पैक्ट एसयूवी के अंदर आपको जो मिलता है, वही सिस्टम इस गाड़ी के अंदर मिल जाता है। बैक कैमरा भी मिलेगा, और जो टेल लाइट है वो भी देखिए कितनी स्टाइलिश इस गाड़ी के अंदर बनाई गई है। और चारों जो टायर है दोस्तों उसके अंदर भी अलॉय आपको मिल जाते हैं इस गाड़ी के अंदर। सामने से गाड़ी का जो फ्रंट है वो आप देख लीजिए, गाड़ी के अंदर दो हेडलैम्प आपको दिखाई देंगे दोस्तों। इसके साथ साथ में DRL आपको ऊपर नज़र आ रही है इस हेडलैम्प के ऊपर, और इसके अंदर आपको हेलोजन लाइट दोस्तों मिलने वाली है। और एक आगे बड़ी सी ग्रिल दिखाई देती है, ये ग्रिल बिल्कुल काम नहीं करती दोस्तों, बंद है ये ग्रिल, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक व्हीकल है। और यहाँ पर कंपनी का जो लोगो है वो लगा है दोस्तों, याकूजा नाम ये कंपनी है, और इस कंपनी का लोगो गाड़ी के ठीक बीच में लगा हुआ है। इसके बाद आपको दिखाता हूँ इस गाड़ी का जो साइड प्रोफाइल है वो आप देख लीजिए, जिससे आपको पता लगे कि ये गाड़ी दिखने में कैसी है, और जब आप इस गाड़ी को चलाओगे तब भी आपको कैसा महसूस होगा इस गाड़ी से लेकर, आपको एक एक जानकारी देंगे। तो इस गाड़ी की ज़्यादा डिटेल लेने के लिए यहाँ के जो मैनेजर हैं उमेश भाई, उनसे बात करते हैं और आपको बताते हैं इस गाड़ी की एक एक डिटेल। इस गाड़ी के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए मैनेजर साहब से बात करते हैं। तो नमस्कार जी, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल के अंदर। और जो भी हमारे दर्शक हैं इस गाड़ी को देखते हैं, उनके लिए इस गाड़ी की जो डिटेल है वो देने की आप कोशिश करें जी। नमस्कार सर, ये याकूजा की क्रिश्मा गाड़ी है, थोड़ा तेज़ बोलिए, जो कि फोर व्हीलर गाड़ी है। और ये आप देखेंगे फ्रंट में, तो इसकी आप स्टार्टिंग दिखाते हैं, ये इजीली इसके अंदर बैठा जाएगा, ठीक है जी। और आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं, सीट को एडजस्ट कर सकते हैं, एडजस्टेबल सीट है इसकी। हाँ, ये यहाँ से भी आप पीछे से भी चाहेंगे आप अपने हिसाब से, तो वो चीज़ भी आप अपने हिसाब से इसको कर सकते हैं एडजस्ट, जो कि पीछे बैठने वाले को कोई दिक्कत नहीं होगी किसी भी तरह से। फ्रंट में हम आपको दिखाएं कि ये चीज़ इसको लगा लीजिए, ये फ्रंट में हम दिखाएं आपको, इसके अंदर ना एक पुश बटन स्टार्ट दिया हुआ है, जो कि आपके पास ये इस तरह की चाबी होनी चाहिए गाड़ी की। अच्छा, ये गाड़ी की चाबी आपसे दूर होगी तो गाड़ी नहीं स्टार्ट होगी, गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। अनलॉक करने के बाद इसको आप पुश करेंगे जी, ये एक सेकंड सर, इसको ना MCB लगी हुई है गाड़ी के अंदर। अच्छा जी, इसको MCB को उठाना पड़ेगा जैसे ही गाड़ी स्टार्ट हो गई है जी, ये आपको इंडिकेशन कर रही है अभी ये स्टार्ट हो गई। इसके अंदर आप फ्रंट में देखेंगे, ये ड्राइव मोड के अंदर लगाएंगे, जैसे न्यूट्रल पे खड़ी है। अच्छा, थ्री मोड है इसके अंदर, थ्री मोड है, ये ड्राइव पे हो गया। अब आप इसको इसकी ये चेकेंगे, ये देखेंगे ना, हैंड ब्रेक है इसका, हैंड ब्रेक के अंदर, ठीक है। हैंड ब्रेक को नीचे करने के बाद तब ये गाड़ी स्टार्ट चल पाएगी, ठीक है। अच्छा, पूरा इंफोटेनमेंट सिस्टम है इस गाड़ी का, जो पूरा बड़ा दिया गया है एक टाइप से, बड़ी LED गाड़ी के अंदर दिखाई देती है। इसके अंदर क्या क्या हमें टच स्क्रीन लगी हुई है, इसमें कोई बटन नहीं है, आपने इसको मोड पे जिस पे भी जाएंगे। अच्छा, जैसे कि ये टच स्क्रीन कर रहे हैं, इसमें ऑडियो चला रहे हैं, ये चल रहा है सर, FM चल रहा है, ऑडियो वीडियो FM का, ऑडियो के लिए आ गया सर, वीडियो के लिए जाना है आपने
तो इसको आप देखेंगे कि बैक करेंगे। अच्छा। ये अभी जैसे इसके अंदर लगी नहीं है, वीडियो चलाना नहीं है, लगा ही नहीं हुआ सर अभी इसके अंदर। जैसे आप इसके अंदर लगाएंगे ना पेन ड्राइव, तो तभी हम वीडियो मोड पे जाएगा। ठीक है, ये देखेंगे रिवर्स कैमरे के लिए, रिवर्स कर रहा है तो ये सर। अच्छा, इसका कैमरा एक्टिव हो गया। हाँ जी, ये इंडिकेशन कर रहा है सर सेंसर के लिए। अच्छा, इसमें सेंसर लगा हुआ है गाड़ी के अंदर। और इसके साथ साथ में जो इसकी स्पीड है वो साइड में दिखाएगा। ये सर यहाँ से, यहाँ से, और इस गाड़ी की जो टॉप स्पीड है वो भी आप हमारे दर्शकों को बताइए, कितनी इसकी टॉप स्पीड है। सर टॉप स्पीड है सर इसकी 50 की रहेगी, जो इसकी एवरेज है सर वो रहेगी सर इसकी 70 की। 70 किलोमीटर ये एक बार चार्ज होने के बाद गाड़ी चल सकती है। हाँ जी, ठीक है। और इसको जो चार्जिंग टाइम है वो भी हमारे दर्शकों को आप बताइए, कितने टाइम के अंदर ये गाड़ी एक बार में चार्ज। 5 घंटे के अंदर गाड़ी चार्ज हो, ओनली 5 घंटे के अंदर दोस्तों ये गाड़ी चार्ज हो जाती है। सिर्फ एक बार आपको नाइट में चार्ज लगाना है, उसके बाद पूरे दिन आप गाड़ी को चला सकते हैं। 70 से 80 किलोमीटर तक की रनिंग प्लस चलेगी ये गाड़ी करेगी दिन के अंदर। और गाड़ी के अंदर एसी भी है क्या? सर एसी नहीं है, ब्लोअर लगा हुआ, फैन लगा हुआ है सिर्फ। अच्छा। आपने इसको टच करना है, जैसे ही टच करेंगे। अच्छा। ये फैन चलेगा, दो वेंट गाड़ी के अंदर डालेगा ये, जिसके अंदर फैन लगे एयर के लिए, फैन है इसके अंदर। ठीक है, और ऊपर की तरफ आप देखेंगे। अच्छा, सनरूफ भी गाड़ी के अंदर लगा हुआ है, ये नॉर्मली आपने ये खुल जाएगा। अच्छा अच्छा, और इतना खुलने के बाद आगे से जो हवा आएगी वो गाड़ी के अंदर आ जाएगी और गाड़ी का केबिन है वो ठंडा हो जाएगा। हाँ जी सर, ठीक है, बहुत अच्छा सिस्टम गाड़ी के अंदर बनाया गया है। ये देखेंगे कि सर पावर स्टीयरिंग दिया हुआ है इसके। अच्छा, गाड़ी के अंदर पावर स्टीयरिंग भी ऐड किया गया है। ये स्मूथली कितना घूम रहा है। हाँ, बिल्कुल छोटी गाड़ी है फिर भी गाड़ी के अंदर पावर स्टीयरिंग है। हाँ जी, और इसके पावर विंडो, पावर विंडो भी आपको मिल जाती है गाड़ी के अंदर। ये देखिए, इस गाड़ी का जो ग्लास है वो आराम से अप डाउन हो रहा है। यहाँ पर पावर के बटन गाड़ी के अंदर डाले गए हैं और क्रोम का भी गाड़ी के अंदर काम यहाँ पर दिखता है दोस्तों। ये देखिए, क्रोम गाड़ी के अंदर लगाया गया। गाड़ी की जो खिड़की है उसको खोलने के लिए और पीछे की जो सीट है वो आप देख लीजिए, वो इजीली मतलब कि सेकंड दो पर्सन आराम से बैठ सकते हैं इसके अंदर। दो व्यक्ति आराम से इस गाड़ी के अंदर बैठ सकते हैं और कितनी भी दूर तक इस गाड़ी को ले जा सकते हैं आप। 70 से 80 किलोमीटर तक इस गाड़ी को रनिंग कर सकते हैं एक बार चार्ज करने के बाद। नीचे की तरफ देखेंगे, बूट स्पेस बना हुआ है इसके नीचे और यहाँ पर आपको बूट स्पेस मिल जाता है गाड़ी के अंदर। बैटरी कहाँ पर रखी हुई है इसकी? बैटरी सर इसके नीचे रखी हुई है। अच्छा, जो ड्राइव सीट है इस गाड़ी की, इसी के नीचे इस गाड़ी का बॉक्स बना है जिसमें बैटरी इंस्टॉल की गई है। और इसके साथ साथ में ये गाड़ी लॉन्च नहीं हुई है ना सर? अभी लॉन्च नहीं हुई है गाड़ी, वैसे मार्केट के अंदर अभी 3 महीने की वेटिंग रहेगी गाड़ी की। ठीक है जी, इसके भी एक आईकैट अप्रूव्ड होने के लिए गवर्नमेंट के पास गई हुई है। ठीक है, आईकैट अप्रूव्ड होने के बाद इसको हम सेल आउट कर सकते हैं, अभी बुकिंग भी स्टार्ट हमने नहीं की है। इस गाड़ी का जो प्रोसेस है वो अंडर रिव्यू के अंदर है, अभी चल रहा है और जस्ट ही आने वाले दिनों के अंदर दोस्तों आपको ये गाड़ी मिलेगी और सड़कों पर ये गाड़ी आपको चलती हुई दिखाई देगी। और बहुत ही अच्छा एक मिडिल क्लास के लिए बहुत बड़ा तोहफा याकूजा कंपनी ने बहुत बड़ा तोहफा दिया है दोस्तों एक मिडिल क्लास के लिए। पीछे की तरफ देखेंगे ना सर, पीछे की तरफ भी हमने, पीछे बैठने वाले के लिए भी हमने दिया हुआ कि ये क्लास की जो बैक क्लास है इस गाड़ी का वो भी ओपन हो जाता है। तो फंक्शनल बहुत ही अच्छी गाड़ी को तैयार किया गया, फंक्शन बहुत है गाड़ी के अंदर। और भी इस गाड़ी की कुछ जानकारी है की तरफ से, हम आपको लाइट भी दिखाएं ना सर। आप लाइट देखेंगे, जैसे गाड़ी में नॉर्मल जो गाड़ी आती है फोर व्हीलर, अच्छा जी बड़ी गाड़ी, उसी तरह से इसके अंदर लाइट। एक बार इस गाड़ी की लाइट हम देखते हैं कितनी पावरफुल गाड़ी के अंदर लाइट है दोस्तों। देखिएगा आप, इस गाड़ी की लाइट आपको दिखाने वाले हैं। गाड़ी की लाइट ऑन होते ही आपको पता लगेगा। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर एलईडी लाइट है वो ऑन हो चुकी है और इस गाड़ी की जो हेडलाइट है वो भी आपको दिखाएंगे। डीआरएल गाड़ी के ऑन हो चुके हैं। इसके बाद ये देखिए दोस्तों, कितनी पावरफुल लाइट गाड़ी के अंदर डाली गई है जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं नाइट में कहीं पर भी आप इस गाड़ी को चलाते हैं तो लाइट जो है वो बहुत ही अच्छी गाड़ी के अंदर डाली गई है। लाइट आप देख रहे हैं धीरे 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 और भी ज़्यादा पावर इस गाड़ी की जो लाइट में आ रहा है। और फुल इस गाड़ी की जो लाइट है वो बहुत अच्छी कैपेसिटी है गाड़ी की लाइट की जो आप देख रहे हैं मोबाइल की स्क्रीन के अंदर। और जितनी भी जानकारी है दोस्तों इस गाड़ी की वो मैंने आपको देने की कोशिश की है। बड़े बड़े गाड़ी के अंदर साइड मिरर भी दिए गए हैं दोस्तों, जिससे आप गाड़ी ट्रैफिक में कहीं पर भी चलाएं आपको कोई परेशानी। ये भी एडजस्टेबल है, एडजस्ट कर सकते हैं जिस हिसाब से भी। अच्छा, ये मैनुअल इस जो साइड मिरर को आप एडजस्ट कर पाएंगे। जो भी गाड़ी के अंदर फंक्शन दिए गए हैं बहुत ही सोच समझ कर गाड़ी के अंदर फंक्शन डाले गए हैं। और पीछे की जो बैकलाइट है वो आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए दोस्तों, पीछे से ये गाड़ी किस प्रकार नज़र आएगी जब आप इस गाड़ी को चलते हुए सड़क पर देखोगे, तो इस प्रकार से ये गाड़ी याकूजा कंपनी की ये गाड़ी आपको पीछे से नज़र आएगी। आपको इस गाड़ी के अंदर बूट स्पेस भी मिल जाता है और 3 सीटर ये गाड़ी आपको मिलेगी।
एक बार पैसा लगाना है, उसके बाद कोई किसी प्रकार का खर्चा इस गाड़ी में आपको नहीं करना है दोस्तों, सिर्फ एक बार ही आपको इन्वेस्ट करना होगा। टोटली ये गाड़ी इलेक्ट्रिक रहने वाली है, मात्र 5 घंटे के अंदर ये गाड़ी चार्ज हो जाती है। इसके बाद 70 से 80 किलोमीटर की ये गाड़ी रनिंग करेगी दोस्तों। पीछे इसके जो चार्जिंग पॉइंट है वो भी आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए पीछे यहाँ पर इस गाड़ी का जो चार्जिंग पॉइंट है वो रखा गया है, और यहाँ से ये गाड़ी चार्ज हो पाएगी। जब आप इसके अंदर लीड लगाओगे तब ये गाड़ी चार्ज होगी, 5 घंटे के अंदर ये गाड़ी फुल हो जाएगी, और आपको एंडिकेट भी ये गाड़ी करने वाली है दोस्तों। जब आप इस गाड़ी को चार्ज करोगे उसके बाद बैटरी का जो आइकन है वो आपको गाड़ी के अंदर दिखाई देगा। गाड़ी को अंदर से भी मैंने आपको दिखा दिया है, एक एक चीज़ इस गाड़ी की आपको दिखाने की कोशिश की है। वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया, गाड़ी आपको अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक करिएगा, आगे शेयर करिए, कमेंट करके आप अपनी राय इस गाड़ी के बारे में ज़रूर दे सकते हैं। डब्बाली रोड पर इनका शोरूम है दोस्तों, डब्बाली रोड पर मैं दोस्तों होंडा एक्टिवा जो कंपनी है बिल्कुल उसके पास में बालाजी मोटर के नाम से याकूजा कंपनी का शोरूम है, यहाँ पर आप आ सकते हैं, इस गाड़ी को देख सकते हैं। जल्द ही ये गाड़ी सड़कों पर आने वाली है दोस्तों, इस गाड़ी को आप खरीद सकते हैं, बुक कर सकते हैं। ज़्यादा दोस्तों इस गाड़ी का जो प्राइस है वो आपको बता देता हूँ, 1,25,000 रुपये आपको इस गाड़ी को लेने के लिए देने होंगे। लगभग 3 महीने, आज से 3 महीने के बाद ये गाड़ी लॉन्च कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि ये गाड़ी अभी बिक्री के अंदर नहीं है दोस्तों, सिर्फ दिखाने के लिए शोरूम के अंदर खड़ी कर रखी है। तो इस गाड़ी का वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आप लोगों को ये गाड़ी दिखा सकूँ, और पूरी की पूरी इलेक्ट्रिक गाड़ी है दोस्तों, आप भी इस गाड़ी को ख़रीद सकते हैं मात्र 1,25,000 रुपये में, यानी एक बाइक की कीमत में आपको ये गाड़ी मिलने वाली है, और 3 सीटर गाड़ी है दोस्तों, 3 व्यक्ति आराम से बैठकर इस गाड़ी में सफ़र कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए यहाँ पर आप आ सकते हैं सिरसा के अंदर, और वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, शेयर करिए, कमेंट करके इस गाड़ी के बारे में ज़रूर राय दीजिएगा दोस्तों। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइएगा, साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाना है। मिलते हैं ऐसी ही किसी नई वीडियो में नई गाड़ी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।